हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन, वेलकम ऑल टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2024 फ्रॉम नियो कॉमिक्स। एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट अदर देन द फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम अल्फा कॉमिक्स। सो गाइस, आज हम इन दोनों वॉल्यूम्स का रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा, और ये रहा उसका पहला इंस्टॉलमेंट का यू नो कवर आर्ट। हियर इज द स्पाइन एंड हियर इज द बैक कवर विद द प्लॉट सिनॉप्सिस। द होली गंगा, अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड क्लींजिंग, इज इन ग्रेव डेंजर एंड एजेंट जे इज इंटरेस्टेड विथ अ डेयरिंग मिशन टू सेव इट फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ पोटेंशियल म्यूटेशन एंड एक्सटिंक्शन। With her exceptional abilities, can Agent J rescue the polluted Ganga, which holds immense significance in India as a source of healing and redemption for centuries? Will Operation Ganga be a successful mission? So guys, ये था plot synopsis। MRP है 499। लगभग 100 pages का एक one shot कहानी आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। So here is जानवी उर्फ Agent J। So guys, ये एक नया सुपर हीरोइन का एंट्री है। सो वी हैव अ न्यू फीमेल सुपर हीरो इन टाउन। कहानी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। देर इज अ मिथोलॉजिकल एंगल बिकॉज माँ गंगा यानी कि गंगा जो नदी है उसके बारे में काफी चर्चा किया गया है। इसका जो स्रोत है, इसका हीलिंग एबिलिटीज, इसका क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज और इन जनरल गंगा मैया का या फिर गंगा नदी का इंडियन मेंटेलिटी के ऊपर कैसा प्रभाव है, ये सबको कोरिलेट किया गया है इस कहानी में। सो एक मिथोलॉजिकल एंगल होने के साथ साथ ही एक साइंटिफिक एंगल भी है, बिकॉज देयर इज दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ प्लूटोनियम जो लीक हो रहा है कहीं से और ये गंगा को पोल्यूट कर रहा है। सो एजेंट जे हु हैपेंस टू बी अ सीक्रेट एजेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ, तो शी इज सेंट फॉर दिस डिटेक्टिव काइंड ऑफ मिशन कि जाके पता लगाओ कहाँ से ये लीकेज हो रहा है, कहाँ से कंटेमिनेशन हो रहा है और कौन इनके पीछे जिम्मेदार है। And during this mission, she finds out that it's not just a conspiracy that is going on around. There is some connections to her past as well. So she gets some cool superpowers from Ma Ganga. And she has a very innate connection to the river. She gains this massive kaiju-like crocodile as her ally. And there is an epic fight that takes place. So sci-fi bhi hai, mythology bhi hai. These are like the two main genres that Sahil S. Sharma, the writer of this comic, actually loves to play with, and he has done a decent job with it. So without any more further delay, I'll crack it open. So here are all the creators. This is how the artwork looks like. To be very honest, initially I was quite skeptical about how good the artwork is going to be, but it turns out to be decent. ये रहा हावड़ा ब्रिज, और जैसे आप देख सकते हैं एक भयंकर सीन है इधर। And then over here we are introduced to our protagonist, the female superhero of the series. And guys, ऐसा नहीं कि ये एक ही कहानी में इस कैरेक्टर को निपटाया गया है, ये बस एक कंप्लीट स्टोरी है। इसके बाद और भी एडवेंचर्स रहेगा एजेंट जे का, दैट्स फॉर श्योर। सो आर्ट स्टाइल काफी फंकी है, इट्स क्वाइट कार्टूनी एट टाइम्स एंड इट लुक्स डिसेंट ओवरऑल, बट स्टार्टिंग में जितना डिसेंट लगता था मुझे, इट सो फील्स लाइक कि धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दबाजी बरताया गया है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी थोड़ा मार खा जाता है। कुछ कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस में मोशन बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है, बट कुछ कुछ जगह चीजें थोड़ा स्टिफ भी लगते हैं। ओवरऑल अगर आर्टवर्क का बात किया जाए तो व्हाट एक्चुअली ब्लू माई माइंड वॉज द कलरिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन हुआ है दोस्तों। आर्टवर्क का जो भी थोड़ा बहुत खामी था वो कलरिंग बखूबी ढक दिया है। यहाँ पर कुछ रीडर्स का ऐसा खेद था कि ये थोड़ा वेस्टेड पोटेंशियल सा है, बिकॉज दिस इज अ बिग काइजू फाइट। कुछ एक दो जॉ ड्रॉपिंग स्प्लैश पेजेस अगर मिल जाता तो काफी बेहतरीन रहता ये। सो ओवरऑल इट्स अ गुड रीड, एक एक्शन पैक्ड कहानी है। इट्स वेरी क्लोज टू द हिंदू सेंटिमेंट्स बिकॉज एज आई सेड, माँ गंगा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस प्लॉट। व्हाट आई लव्ड वाज द बिल्डअप, जो प्लॉट डेवलपमेंट हो रहा था जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, दैट वॉज मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर जब हम लोग फर्स्ट हाफ को ओवरकम करके सेकेंड हाफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पर थोड़ा ज्यादा एक्शन फोकस्ड हो जाता है और कहानी वो थोड़ा बैकसीट ले लेता है, उसका पेसिंग थोड़ा बिगड़ जाता है, थोड़ा ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड से लगता है। सो एक बहुत डिसेंट बिल्डअप होते हुए थोड़ा एब्रप्ट हो जाता है चीजें, एंड देन इट सिंपली एंड्स। फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि ये कैरेक्टर थोड़ा रिप ऑफ जैसा लग रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको पढ़ने के बाद मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ।
इट्स अ डिसेंट स्टोरी विद गुड आर्ट वर्क। स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 4 out of 5, आर्ट वर्क के लिए 3.5 out of 5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.5 out of 10। स्टोरी में काफी पोटेंशियल है, लेकिन सेकेंड हाफ को थोड़ा और अगर एक्सपेंड किया जाता, थोड़ा और उसको खुल के परोसा जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। जो काइजू फाइट है वो थोड़ा और लार्ज स्केल हो सकता था, यू नो द एंडिंग कुड हैव बीन अ बिट बेटर। आर्ट वर्क अच्छा है, आर्ट स्टाइल अच्छा है, बट जो बेस्ट पार्ट है उसका वो है इसका कलरिंग, बिकॉज आर्ट वर्क भी कंसिस्टेंसी लूज करता है। फर्स्ट फ्यू पेजेस आर वेल डन, एक एनिमे मंगाई स्टाइल को अपनाया गया है, बट फिर थोड़ा जल्दबाजी भी अपनाया गया है, वो भी साफ साफ झलक रहा है इन पैनल्स में। सो या ओवरऑल दैट्स द रिव्यू एंड रेटिंग फॉर एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा। गुड जॉब साहिल भाई, गुड जॉब अल्फा कॉमिक्स। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ चहल पहल, द केस ऑफ द मिसिंग टीचर। सो ये रहा फ्रंट कवर, ये रहा स्पाइन, एंड हियर इज द बैक कवर। सो ये रहा प्लॉट सिनॉप्सिस गाइस। A 12-year-old bullied girl, Chahal, finds her struggles eased when her favorite teacher gifts her an unexpected new best friend, a puppet she names Pehel. An unbreakable bond is forged as they embark on a quest together to find their missing teacher. Through this journey, Chahal discovers that it's not the puppet that gives her strength, but rather herself. MRP है इसका 299, इसमें टोटल आपको 50 पेजेस का कंटेंट मिलेगा दोस्तों। सो एपरेंटली आपको ये देखकर लग सकता है कि एक बच्चों का कॉमिक्स है, मैं भी इसको एक बच्चों का कॉमिक समझ के ही उठाया था, बट इट टर्न्स आउट दैट चहल पहल इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। एक एपरेंटली बच्चों का कॉमिक्स के अंदर इतना लेयर्स हो सकता है, ये मुझे इसको पढ़ने के बाद ही पता चला। सो शी इज अ नर्डी टाइप ऑफ गर्ल, द ऑड वन आउट काइंड ऑफ गर्ल इन अ ग्रुप। शी इज सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, शी इज सफरिंग फ्रॉम बुलिंग, और ऐसे में A ray of hope comes in her life, and that is her teacher. And she gifts her a toy. And because she is suffering from a psychological condition, वो अकेलापन से जूझ रही है, तो she starts having a full-blown conversation with the toy, an inanimate object. So yeah, to be very honest, she does need a psychiatric evaluation. But यहाँ पर कहानी के चलते हम देख सकते हैं कि she starts having this meaningful conversations with this doll, and she actually feels good while talking to this puppet or this doll that she names as Pehel, because Chahal Pehel, there is a nice ring to it, right? So mentally she is now in a better place because she has found a friend in this doll. But then she also finds out ki ye doll gift karne wali jo teacher thi, she has gone missing under some very weird circumstances. So Chahal along with Pehel ek detective mission par nikal padti hai to find out their missing teacher. क्या वो अपने फेवरेट टीचर को ढूंढ पाती है, कैसे ढूंढ पाती है, हाउ सक्सेसफुल ऑफ अ डिटेक्टिव डुओ चहल पहल इज, ये आपको पता लगेगा ये कहानी पढ़ने के बाद। इस कहानी का खासियत यह है कि एक बच्चों का कॉमिक्स होते हुए भी बड़े भी इसको बरोबर एंजॉय कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इसका कंप्लीट सेंस, इसका पूरा एसेंस एक एडल्ट ही समझ पाएगा ठीक से। सो एनीवे, इनफ बैंटर एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक इनसाइड। सो हियर आर ऑल द क्रिएटर्स, राइटर बीइंग साहिल एस शर्मा अगेन। सो साहिल भाई धड़ाधड़ बहुत कुछ लिख रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम इज टर्निंग आउट टू बी प्रीटी गुड। So yeah, this is how she spends her time by creating this dominoes, and this is a teacher I was talking about. They bond very well, and this teacher actually helps Chahal a lot. So this is a doll, and Chahal names her Pehel. और इन दोनों को पता चलता है कि इनका टीचर हो जाता है मिसिंग, तो थोड़ा डिटेक्टिव वर्क करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर इनको कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, बट नो मैटर वट दे आर वेरी स्टबर्न, एंड ये मिशन को बहुत सीरियसली ले चुके हैं। सो किसी भी हाल पर वो अपने टीचर को ढूंढकर ही निकालेगी। एंड या दिस इज क्वाइट एन इंस्पायरिंग टेल, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आपको इसके अंदर मिलेगा, एंड द एंडिंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एज वेल, विच मैटर्स अ लॉट टू मी व्हाइल रीडिंग अ स्टोरी। सो ये भी एक वन शॉट है, लगभग 50 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर। आर्ट वर्क जैसे कि आप देखे हैं दोस्तों, इट्स गुड, इट्स डिसेंट, बट इट्स नॉट द बेस्ट आर्ट वर्क आउट देयर। कलरिंग भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, एनाटॉमीज हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पर्सनली स्पीकिंग इसका आर्ट वर्क मुझे थोड़ा बहुत निराश किया है, बट इसका स्टोरी ने उस चीज को मेकअप कर दिया है। सो एक बैलेंस्ड मिक्सड रिएक्शन आया मेरा इसको पढ़ने के बाद, आई मस्ट से आई वॉज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद दिस स्टोरी। और तो और दोस्तों, इसका एक एनिमेशन निकालने का भी प्लानिंग चल रहा है। संजय गुप्ता जी अल्फा कॉमिक्स के यूट्यूब पोर्टल के थ्रू एक वीडियो शेयर किए थे, एक टीजर सॉर्ट ऑफ वीडियो। आई थिंक इट्स मेन फोकस इज ऑप्शनाइजेशन, आई डोंट नो फॉर श्योर, कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि कब रिलीज होगा एनिमेशन, कितना एपिसोड, ये वो, जस्ट एक छोटा सा टीजर है। एंड उसका क्वालिटी भी काफी अच्छा लगा मुझे, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ वियर्ड थिंग्स लाइक द आईज एंड स्टफ्स लाइक दैट। सबकी आंखें काफी बड़े बड़े हैं, एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स आइडेंटिकल इन ऑल द कैरेक्टर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स लुक्स रियली स्टनिंग।
It seriously felt like a very genuine attempt at making something amazing. So kudos to the team for doing a brilliant job. So agar rating ka baat kiya jaye, main isko story ke liye dunga 4.8, artwork ke liye main isko dunga 2.5. So it gets a total of 7.3 out of 10, which makes it a pretty good read as well. So guys, basically that was the review of Operation Ganga and Chahal Pahal for you guys. Alpha Comics ka pehla set ka pehla do comics. The creative teams are doing a pretty good job and I wish them all the very best for their upcoming projects. Operation Ganga and Chahal Pahal, ye dono हिंदी में भी उपलब्ध है दोस्तों, एंड ऑपरेशन गंगा हैज अ डिफरेंट हिंदी वेरिएंट कवर व्हिच लुक्स प्रीटी अमेजिंग एज वेल. सो या नाउ यू कैन रीड दिस कॉमिक्स इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ चॉइस. इन्हें खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.